धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। सब जगह लातूर के सूखे और पानी की बात हो रही है, उस लातूर का मैं सांसद हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ट्रेन से पानी दिया। मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसानों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित करते समय ही किसानों को उसका उचित मूल्य दिया जाने का नियमों का प्रावधान है। अगर किसान को उसका उचित मूल्य सरकार द्वारा ना देने पर वह न्याय प्रक्रिया द्वारा सरकार से उस मुआवजे की मांग करता है, उक्त निर्णय न्यायालय द्वारा माने 15 साल 20 साल 25 साल के बाद लिया जाता है। जिस समय न्यायालय द्वारा उस किसान को उक्त रकम पर ब्याज देने का निर्देश सरकार को दिया जाता है, जो दिया संपूर्ण ब्याज यह नुकसान भरपाई रहने के कारण आयकर शत प्रतिशत मुक्त होना चाहिए। इस विषय में सरकार ने कदम उठाना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय में पूर्व सरकार ने जो किसानों की जमीन जबरदस्ती से अधिग्रहित होने के बावजूद आयकर धारा 10/37 अनुसार आदि 50% फीसदी ब्याज से रकम पर आयकर लगाने का प्रावधान किया है, जो 2009 में 10 अप्रैल 2010 को आयकर अधिनियम सब सेक्शन 2 सेक्शन 56 द्वारा किया, लेकिन यह नुकसान भरपाई रहने के कारण आयकर अधिनियम 10/37 को सुधारित करके पूर्ण ब्याज को आयकर मुक्त करने का निर्णय लेने की जरूरत किसान महसूस कर रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय में कब निर्णय करेगी ताकि किसानों को नुकसान भरपाई की पूरी रकम बिना आयकर कटौती किए बिना मिलेगी। धन्यवाद श्रीमती किरण।